In this video, we discuss about the refrigerator. A refrigerator is used to produce cold. Refrigerator हमारी एक डिवाइस होती है जिसको हम क्या करते हैं, कोल्ड करने के लिए यूज करते हैं. जैसे कि हमारा हीट पंप था, हीट पंप पर हम यूज क्या करते थे, उसे जैसे हमारा रूम हीटर है उसकी तरीके यूज करते थे. कहने का मतलब हमें टेम्परेचर चाहिए था. यहाँ हमारा रेफ्रिजरेटर में क्या है, हमें क्या करें, ठंडा करना है. यानी किसी भी पार्ट को, किसी भी एरिया को या फिर किसी भी पार्ट को हमें क्या करें, ठंडा करने के लिए इसे हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर का. तो हम कह सकते हैं अ रेफ्रिजरेटर इज यूज टू प्रोड्यूस कोल्ड. इट प्रोड्यूस इन एन इनक्लोज चैम्बर हुज वैल्यू इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक ऑफ द सराउंडिंग. जो हमें ठंडा करना है उसका टेम्परेचर क्या करने का, जब लोअर रहेगा टेम्परेचर, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वह क्या रहेगा, हमारा हायर रहेगा. तो उस जो लोअर टेम्परेचर को हमें क्या करने का है, मेंटेन करना है. तो इट आल्सो मेंटेन द लोअर टेम्परेचर कंटिन्यूअसली. इट इज एक्चुअल ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू अ बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी. तो जैसे कि हमारा हीट पंप ने हमें देखा था, हीट पंप का सेम यही हमारा डायग्राम था. क्या हो रहा था कि जो हमारी हीट थी लो टेम्परेचर से क्या हो रही थी, एक्सट्रैक्ट हो रही थी Q2 अमाउंट. और ये हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, और ये हमारा क्या हो रहा है, हीट सिंक हो रहा है. हीट हमारा क्या है, T1 है. और ये हमारी जो हीट हमारी रेफ्रिजरेटर से हमारी निकल के आ रही है वो हमारी कितनी है, Q1 है. तो अगर हम बात करें इसके COP की, तो हमारा इसका COP कितना निकल के आएगा, COP हमारा क्या निकल के आएगा, COP हमारा क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट. ओके, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट. तो रेफ्रिजरेटर में हमारे डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, हमें क्या करना है, लोअर टेम्परेचर को क्या करना है, इस टेम्परेचर को क्या करना है, ठंडा करना है. तो हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो हमारा निकल के आएगा Q2. और जो हमारा वर्क डन है वो हमारा सेम जैसे हमारा हीट पंप का है वैसा होगा, Q1 - Q2. तो जो हमारा COP निकल के आएगा वह निकल के आएगा Q2 / Q1 - Q2. अगर आप शॉर्ट में याद रखना है, अगर आप भूल जा रहे हैं, तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में याद रखना है कि यहां हमें हीट पंप रेफ्रिजरेटर में हमें क्या करने का है, हमें रेफ्रिजरेटर में किसी चीज को क्या करना है, ठंडा करना है. और ठंडा कब होगी, जब हमारे लोअर टेम्परेचर से हमारी क्या हो जाएगी, हीट और निकल जाएगी. तो जो हमारी लोअर टेम्परेचर हमारा कितना है, यहाँ Q2 है, तो हमें ऊपर क्या रखना है, डिजायर्ड इफेक्ट में Q2 रखना है. और जो हमारा वर्क डन निकलेगा वो डिफरेंस होगा, तो Q1 - Q2. बट हमारा हीट पंप में क्या है, हीट पंप में हमें क्या करना है, जैसे हम हीट पंप देख रहे हैं, हीट पंप में हमें क्या करना है, जो हमारा टेम्परेचर है उसको क्या करना है, हायर रखना है अपने रूम टेम्परेचर को, सपोज दैट. तो हम क्या करने के, जो हमारा हीट डिजायर्ड हीट है वो हमारी कितनी हो जाएगी, Q1 हो जाएगी. जो हायर टेम्परेचर का हमें लेना है वो हमारी क्या हो जाएगी, Q1. और जो हमारी वर्क इनपुट है Q1 - Q2 हो जाएगा. तो इस तरह हमें दोनों को याद रखना है. अगर हम रिलेशन की बात करें, तो हमारा रिलेशन क्या निकल के आता है, तो इसका रिलेशन निकल के आता है सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. कैसे, देखो, जो हमारी सीओपी ऑफ द हीट पंप कितनी होती है, होती है Q1 / Q2. अगर हम 1 + करें और रेफ्रिजरेटर ऑफ द हम सीओपी देखें, तो निकल के आती है Q1 - Q2. तो हम सॉल्व करें तो ये कितना निकल जाएगा, Q1 - Q2 + Q2 / Q1 - Q2. तो Q2 और Q2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. तो यह हमारा निकल के आएगा Q1 / Q1 - Q2. अब देखो ये Q1 - Q2, यानी COP ऑफ द जो हीट पंप होगा इक्वल होगा 1 + COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर के. ये देखो ये प्रूफ भी हो गया. तो अगर आपको रिलेशन याद रखना है तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक करें और सब्सक्राइब करें. मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा.